द गार्डन, इसको लिखा गया है एंड्रयू मार्वेल के द्वारा। दिस पोएम इज डिवाइडेड इंटू नाइन स्टैंजाज में बांटा गया है। ईच ऑफ द स्टैंजाज कंटेंस फोर राइम्ड कपलेट्स, यानी हर स्टैंजा में चार राइम्ड कपलेट्स हैं, मतलब आठ लाइनें कह सकते हो एक तरह से। कपलेट में तो दो लाइनें होती हैं। ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर, और इसका जो मीटर है वो है आयम्बिक पेंटामीटर, और ज़्यादातर कविताओं का जो होता है मीटर यही होता है, आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखी जाती है। दिस पोएम डिस्क्राइब्स मार्वेल्स ऑन रिटायरमेंट फ्रॉम पब्लिक लाइफ, मतलब वो ऐसा फील करने लग जाते हैं कि लाइक अब हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते, यानी लोगों के लिए जो कुछ भी लिख रहे थे तो अब उन्हें लगता है शायद अब मुझे एक रियलाइजेशन का जो टाइम होता है ना, रिलीजन में इंसान तभी जाता है या किसी रिलीजन को तब जब मानने लग जाता है जब उसे खुद में रियलाइज होता है कि लाइक ये गलत है ये सही है। द स्पीकर मेंशंस थ्री फॉर्म्स ऑफ पब्लिक वर्च्यू, वो इंसान के या कह सकते हैं लोगों के तीन तरह के गुणों की बात करता है। हाउएवर दीज सिम्बॉल्स ऑल्सो सजेस्ट द इन्विटेशन ऑफ इंडल्जेंस, इंसान के अंदर एक गुण होता है इंडल्जेंस का। इंडल्जेंस मतलब होता है कोई चीज़ में तल्लीन हो जाना, खो जाना। इंसान जैसे मान लो कोई भी चीज़, इंसान का क्या है नेचर होता है लाइक कोई चीज़ अच्छी लगी तो हम उसको ज़्यादा उसके फॉन्ड ऑफ हो जाते हैं, लाइक उसको उसमें हम खो से जाते हैं, खुद को ही भूल जाते हैं, ऐसा चीज़ हमेशा हमें हमारे साथ होता है। सिंस द रेड्स आर ओनली मेड ऑफ ट्रिमिंग फ्रॉम द एक्चुअल प्लांट्स, प्रकृति को एक तरह से देखें या पर कह सकते हो कि इस दुनिया को देखें तो किसी एक चीज़ से यह नहीं है, ये हर चीज़ से मिलकर बनी हुई है, तो कोई एक से यह दुनिया, ये वर्ल्ड जो है ये क्रिएट नहीं हुआ है। पब्लिक लाइफ एंड डिवोशन टू वर्च्यू मस्ट कम टू एन एंड वन डे, मतलब एक न एक दिन जो है ये समय आपका ख़त्म होता है, यानी आप जो भी लोगों के लिए या अपने लिए जो भी आपका समर्पण है ये सब एक न एक दिन ख़त्म हो जाता है। डेथ को एक तरह से रिटायरमेंट के तौर पर देख रहे हैं, यानी आई थिंक इट लास्ट स्टेज ऑफ वंस लाइफ, हर कोई क्या करता है वो ऐसा फील करने लग जाता है या अब शायद उसे खुद के लिए कुछ करना चाहिए या अब वो नहीं कर सकता, उसमें वो एबिलिटी नहीं रही। द स्पीकर सजेस्ट दैट जस्ट एज फ्लावर्स एंड ट्रीज, वो अपने आप को ऐसे देख रहा है मानो जैसे फूल और पेड़ होते हैं, लाइक वी शुड बी ओब्लाइज्ड, और हमें उसी तरह होना भी चाहिए। ओब्लाइज्ड मतलब काफ़ी आज्ञाकारी कह सकते हो, शिष्ट काफ़ी, एंड कंटेंट और संतुष्ट भी होना चाहिए। द स्पीकर गोज ऑन टू प्रेज द सॉलिट्यूड, वो किसकी प्रशंसा करते हैं सॉलिट्यूड की, यानी अकेलेपन की, यानी इंसान को अकेला रहना प्रेफर करना चाहिए। संतुष्टि का मतलब ही है जब आपको किसी और की ज़रूरत नहीं होती, यू आर सेटिस्फाइड विथ वॉट एवर यू हैव, जो कुछ भी आपके पास है आप उससे बिल्कुल कंटेंट हैं, संतुष्ट हैं। एंड क्वाइट, शांति एक तरह से जो होता है, साइलेंस जिसको कहते हैं, ऑफ हिज रिट्रीट इनटू द गार्डन, मतलब वो चुपचाप खामोश अकेले एक गार्डन में टहल रहे हैं, और टाइटल भी यही रेफर करता है, द गार्डन इसका नाम भी है। ही बिलीव्स दैट ही वॉज मिस्टेकन व्हेन ही सॉ फेयर क्वाइट एंड इनोसेंस एमंग मैन, उन्हें लगता है कि शायद उसने गलती करी या एक गलती हुई उससे, क्या क्या गलती हुई कि उसने लोगों को फेयर समझा, यानी लोगों से क्या मतलब है यहाँ पर, फिजिकल चीज़ों को, भौतिक चीज़ों को, यानी लोगों को बाहर से देखकर उन्हें अच्छा समझना या फिर लोगों को खुश समझना कि लोग खुश हैं, एक्चुअल में कोई खुश नहीं है ना, और इनोसेंस ये तो कहीं नहीं होता, इंसान में होता ही नहीं है, एंड इनोसेंस हर किसी में कम मो बेस सब में जो है धूर्तता होती है। ही स्टेट्स दैट सेक्रेड प्लांट्स ऑफ क्वाइट, स्पेलिंग शायद बार बार गलत लिखा गया है, तो ही स्टेट्स दैट सेक्रेड प्लांट्स ऑफ क्वाइट एंड इनोसेंस कैन ओनली ग्रो इन द गार्डन, मतलब ये सिर्फ गार्डन में ही ग्रो कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर आप समझ सकते हो कि नेचर को इन्वॉल्व किया गया है, यानी बेहतर बताया गया है, इंसान से बेहतर प्लांट्स को बताया गया है, पौधे को बताया गया है, और वो कहते हैं कि ये सिर्फ गार्डन में ही ग्रो कर सकता है, इंसानों में इस तरह की कोई वर्चू, कोई तरह इस तरह की क्वालिटीज़ नहीं हो सकती। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें तो द सराउंडिंग ऑफ द गार्डन मेक्स रूम इन द स्पीकर्स हार्ट, सराउंडिंग ऑफ द गार्डन यानी गार्डन का जो एक माहौल है वो क्या क्रिएट करता है, मेक्स रूम, रूम मीन्स क्या होता है, स्पेस होता है, एक जगह, यानी एक घर कर जाती है, एक जगह बना लेती है, वो जगह इतनी अच्छी लगी उन्हें, उनके दिल में उस जगह के लिए एक प्यार सा जगह उसके मन में है ना, इन स्पीकर्स हार्ट एंड माइंड, और उसके मन में भी, एंड इन दैट रूम स्पिरिचुअल वैल्यूज आर ग्रोइंग, और उसके मन में कुछ धार्मिक भावनाएं भी जागृत हो रही हैं इन चीज़ों से, which forced him to disregard the society, और इससे उनके मन में नफ़रत पैदा हुई, किसके लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, यानी कह सकते हो कि जब वो नेचर के करीब गया तो उसने इंसानों से नफरत करना शुरू कर दिया।
poet may carve the name of his beloved into trees, but the poet realizes that these actions are fruitless. अब समझना, कवि के मन में कभी कभी इच्छा आती है कि क्यों ना वो अपने प्रेमिका का नाम जो है उन पेड़ों में लिख दे. कार्व करना मतलब होता है कुरेद कर लिख देना. लेकिन उन्हें लगता है, उन्हें एहसास होता है दैट दीज एक्शंस आर फ्रूटलेस, कि इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं, बेकार हैं, वर्थलेस हैं, क्योंकि मिट जाएंगे वो, टेम्प्ररी होंगे, थोड़े दिनों के लिए होंगे. एंड ही रिपीट्स दैट ईच ट्री ऑलरेडी कंटेंस अ मोर ब्यूटिफुल इम्प्रिंट. और कह रहा है कि इसमें कुछ अच्छा लिखने की ज़रूरत कहाँ है, इसका जो एक एक इम्प्रिंट जो है, उस पर जो एक एक छाप है, वो ऑलरेडी इतना सुंदर है कि उस पर कुछ और लिखने की ज़रूरत ही नहीं. द पोएट इज़ रोमांटिक इन हिज एक्सप्रेशन. कवि काफ़ी एक्सप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रोमांटिक है. रोमांटिक कहने का मतलब कि वो नेचर को अप्रिसिएट कर रहे हैं, प्रकृति की प्रशंसा कर रहे हैं. बिकॉज ही हैज़ रिटन अबाउट द नेचर, क्योंकि इन्होंने नेचर के बारे में लिखा है. क्योंकि हम पहले से जानते हैं, वैसे भी ये मेटाफिजिकल पोएट है, तो ये तीन ही चीज़ के बारे में लिखते हैं, लव, डेथ और नेचर. तो ये नेचर के बारे में. द पोएम इज़ अबाउट पोएट्स पर्सनल फीलिंग्स. ये कवि की व्यक्तिगत फीलिंग्स को लेकर है, व्यक्तिगत भावनाओं को लेकर है, एंड इमोशंस. ही एक्सप्रेस्ड हिज व्यू अबाउट लाइफ इन द नेचर. जीवन को लेकर उनकी क्या सोच है उसको उन्होंने व्यक्त किया है, प्रकट किया है. Which is a part of society, प्रकृति के बारे में विशेष करके, और जो कि एक समाज का एक हिस्सा भी है. और स्वाभाविक है, प्रकृति के बिना हम समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते. इट्स स्टाइल इज़ मेटाफिजिकल. चूँकि एक मेटाफिजिकल पोएम है तो इसकी स्टाइल, इसकी शैली जो है मेटाफिजिकल ही है, यानी एक मेटाफिजिकल पोएम है ये. बिकॉज इट यूजेज रेफरेंसेज. ये कैसे रेफरेंसेज यूज करती है, जैसे द बाइबल, मिथ्स, बाइबल के रेफरेंस को लेकर इन्होंने बात की है. मिथ्स, मिथ्स क्या होती है, पौराणिक चीज़ें होती है ना. जैसे कि मान लो हम रामायण की बात को लेकर यदि आते हैं या उसके बैकग्राउंड, उसका रेफरेंस लेते हैं, तो एक तरह से वो मिथ्स होता है. मिथोलॉजी भी कहा जाता है रामायण वगैरह को या महाभारत को. एंड मेटाफिजिकल फिलोसफीज़, और मेटाफिजिकल फिलोसफी की भी बात करता है. मेटाफिजिकल फिलोसफी क्या होता है कि लाइक आफ्टर डेथ जो 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 चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें टेक प्लेस करती हैं, उसको हम लोग मेटाफिजिकल फिलोसफी कहते हैं. इट इज़ ए क्लासिकल पोएम हैविंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लैंग्वेज. या एक क्लासिकल पोएम है. क्लासिकल पोएम का मतलब ये एक जो पैटर्न है, इसका जो तरीका है लिखने का, इसको एक क्लासिकल पैटर्न के ही बेस्ड लिखा गया है इसको, जो जितने भी क्लासिकल पोएट्स हुए. द थीम ऑफ द पोएम इज़ दैट गार्डन इज़ द परफेक्ट प्लेस फॉर फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड मेंटल कम्फर्ट. यहाँ कह रहे हैं कि इसका थीम या मुख्य तौर पर जिसमें जो बातें की गई है, गार्डन क्या रेफर करता है यहाँ पर, नेचर को. यानी कह रहे हैं कि इंसान जो है प्रकृति में रहकर, प्रकृति से जुड़ा हुआ रहकर एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है. मानसिक भी ध्यान देना, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड मेंटल. शारीरिक रूप से है, फिर धार्मिक रूप से, और फिर मानसिक रूप से. यानी हर तरह से वो कम्फर्ट हासिल कर सकता है. कम्फर्ट मीन्स लाइक हैप्पीनेस कह सकते हो, आराम भी होता है, लेकिन यहाँ पर हैप्पीनेस. हियर कोमा दे देंगे हियर के बाद. द गार्डन रेफर्स, यहाँ पर गार्डन का मतलब है टू लाइफ, और ये जीवन इन द नेचर, प्रकृति में जीवन. गार्डन दिखाता है प्रकृति में जीवन को. अकॉर्डिंग टू द पोएट द गार्डन इज द बेस्ट प्लेस वेयर सेटिस्फैक्शन लाइज. सेटिस्फैक्शन मीन्स संतुष्टि. तो उनके हिसाब से गार्डन एक परफेक्ट प्लेस है जहाँ उन्हें संतुष्टि मिलती है, उनको रहकर, उनको जीकर संतुष्टि मिलती है. विच इज़ नॉट फाउंड इन द सोसाइटी, जो एक समाज में नहीं देखने को मिलता है, नहीं पाया जाता है. यदि आप हैप्पीनेस चाहते हो, वो भी ऐसी हैप्पीनेस जो कोई भी ख़त्म ना हो, तो नेचर इज़ द बेस्ट प्लेस टू रिसाइड. रहने के लिए सबसे अच्छा जगह प्रकृति ही हो सकता है. द पोएट हैज़ फाउंड द नेचर एंड रियलाइज्ड इट्स वैल्यू. उन्होंने प्रकृति को परखा है, जाना है, और उसके महत्व को भी समझा है. He claims, और वो दावा करते हैं, that the nature is the only true place for complete luxury. यदि आप पूरी सुख सुविधा चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लग्जरी, आजकल लग्जरी की परिभाषा ही बदल गई है. हम लोग लाइक टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों को लग्जरी का नाम दे बैठे हैं. बट लग्जरी एक्चुअल मीन्स हैप्पीनेस, और वो हैप्पीनेस सिर्फ नेचर में ही आपको मिल सकता है, नेचर से दूर रह के नहीं मिल सकता. द गार्डन इज़ अ यूनिक मेटाफिजिकल पोएम, और ये बिल्कुल ही अलग अनोखा मेटाफिजिकल पोएम है. विच इज़ रोमांटिक इन इट्स सब्जेक्ट, जिसका सब्जेक्ट अपने आप में नेचर से जुड़ा हुआ है, रोमांटिक सब्जेक्ट है इसका. ऑल्सो कंटेंस क्लासिकल एलिमेंट्स, और साथ ही साथ इसमें क्लासिकल एलिमेंट्स भी ऐड करे गए हैं. जैसे इसका एक मीटर है खुद का, यानी मीटर जो लेंथ होती है पोएम की, एंड स्ट्रक्चर, और इसका स्ट्रक्चर भी जो है वो भी अपने आप में यूनिक है. द पोएम इज़ रिटन इन हीरोइक कपलेट.
हीरोइक कपलेट में इसको लिखा गया है, यानी दो दो लाइनों का इसका कपलेट हम जानते हैं, दो लाइन का होता है, विच डील्स विद द पोएट्स एक्सपीरियंस, जिसमें बात की गई है पोएट के खुद के एक्सपीरियंस के बारे में, कभी अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं लाइफ का जो भी उन्होंने गेन करा है, एंड आइडियाज और उनके खुद के आइडियाज अबाउट द नेचर, प्रकृति को लेकर जो भी वो सोचते हैं वो उन्होंने बताया है अपनी कविता में एज अ क्लासिकल पोएम. अब देखो इसको यहाँ पर दोनों का एक मिक्सचर बताया गया है, एक क्लासिकल और मेटाफिजिकल पोएम का मिक्सचर. तो यदि हम इसको कंसिडर करें क्लासिकल पोएम, तो उस तौर पर द पोएम हैज़ डिफरेंट क्वालिटीज, इसमें अलग अलग खासियतें हैं. लाइक कैसे, तो एक रिदम इसमें जो यूज़ किया गया है, काफ़ी केयरफुली इसको लिखा गया है, रिदम है इसमें, हीरोइक कपलेट पटाई पैटर्न इसका है, क्लासिकल है, एंड एजुकेटेड एल्यूजन्स, और इसमें एल्यूजन्स का यूज किया गया. इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू समराइज द पोएम, हालांकि पोएम को समझना मुश्किल नहीं है, बट देर आर सो मेनी डिफिकल्ट वर्ड्स, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, एंड इवन ऑर्डिनरी वर्ड्स यूज्ड इन अनयूजुअल सेंस, उसको अलग वे में यूज़ किया गया है. यानी कई बारी तो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, लेकिन कई बारी इजी वर्ड्स का भी यूज़ थोड़ा अलग अंदाज में किया गया है, जिसका अर्थ निकालना उतना आसान नहीं. मैनी सेंटेंसेज हैव अ लैटिन लाइक वर्ड, ध्यान देना, बहुत सारे वर्ड लैटिन से भी मिलते जुलते हैं. ऑर्डर विद द वर्ब एट द एंड, जिसमें कि अंत में वर्ब देखा जा रहा है. देर इज़ ए क्लासिकल परफेक्शन इन इट्स मीटर, और इसकी जो मीटर की परफेक्शन है काफ़ी क्लासिकल है, एंड स्ट्रक्चर, और इसका स्ट्रक्चर भी क्लासिकल पैटर्न को फॉलो करता है. द मेन थीम ऑफ द पोएम इज दैट पीसफुल लाइफ इन नेचर प्रोवाइड्स अस मोर सेटिस्फैक्शन, यदि हम एक शांतिपूर्ण जीवन प्रकृति में जीते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री हो सकता है, संतोष देने वाला हो सकता है. देन सोशल लाइफ, यानी एक समाज में रहकर या सोसाइटी में रहकर हम वैसा लग्जरी, वैसा कंफर्ट, वैसा हैप्पीनेस नहीं पा सकते जैसा कि हम नेचर में रहकर. सोशल लाइफ प्रोवाइड्स अस ए कंपेनियन, ध्यान देना, समाज हमें क्या देता है, साथ देता है, कंपेनियन देता है, और कैसे, तो अपना ही साथ देता है, यानी ह्यूमंस का हमें साथ मिलता है, इंसानों का, बट नेचर प्रोवाइड्स अस पीस, लेकिन प्रकृति हमें शांति देती है, एंड सेटिस्फैक्शन, और संतुष्टि भी, और जहाँ संतुष्टि है वहाँ हैप्पीनेस भी है. द इमेजरी विच इज़ यूज, इमेजरी क्या होता है, इमेजरी कहा जाता है जब हम कोई लाइन को पढ़ते हैं और आपके मन में एक इमेज क्रिएट होता है, आप मन में कल्पनाएं करने लग जाते हैं कोई लाइन पढ़ते हैं. जैसे मान लीजिए वर्ड गार्डन को देख लें, तो गार्डन जैसे बोलते हैं तो आपके मन में एक बगीचे का एक इमेज बनता है, प्रकृति का एक इमेज बनता है. द इमेजरी विच इज़ यूज इन द पोएम इज अबाउट नेचर, और सारे इमेजरी जो यूज़ किए गए हैं वो पोएम में वो नेचर को लेकर ही हैं. द पोएम यूजुअलाइजेज, अब ध्यान देना, वही ना हुआ, इमेजरी यूज़ किया गया है, क्यों, इसकी जो चीज़ें वो कहना चाहते हैं उसको विजुअलाइज करने के लिए, विजुअलाइज मीन्स दिखाने के लिए आपको. द डिफरेंस बिटवीन रोमांटिक एंड क्लासिकल एलिमेंट्स, और उन्होंने एक तरह से एक डिफरेंस भी बताया है, एक अंतर बताया है, एक रोमांटिक और एक क्लासिकल पोएम में क्या डिफरेंस हो सकता है, एज वेल एज मेटाफिजिकल क्वालिटीज, और एक मेटाफिजिकल पोएम की क्या क्वालिटीज़ हो सकती है. सो दैट वॉज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग.